हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास उपटन लेकर आई हूँ। कितना अच्छा लगता है ना कि अगर हम अपनी त्वचा को भी फायदा पहुंचाए, यानी कि अपनी त्वचा पर जितने भी गंदगी है, डेड स्किन सेल्स है, दाग धब्बे हैं, वो भी दूर हो जाए और साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिले। तो दोनों ही चीजें एक साथ हो सकती हैं अगर आप इस उपटन को लगाती हैं। जो पुराने टाइम में महिलाएं पार्लर या फेशियल्स वगैरह नहीं करवाती थी, क्योंकि पहले के टाइम में तो पार्लर थे ही नहीं, तो ऐसे में वो उपटन का इस्तेमाल करती थी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और साथ ही साथ अपनी रंगत को निखारने के लिए भी। तो आज मैं आप लोगों के लिए रूप 14 पर एक बहुत ही खास उपटन लेकर आई हूँ गाइस। इस उपटन को लगाने से आपकी त्वचा में जितनी भी गंदगी है वो भी दूर होगी और आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी मिट जाएंगे और साथ ही साथ आपको इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। तो है ना कितना अच्छा फायदा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इस उपटन को आपने कैसे तैयार करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपटन के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सभी इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमें ये उपटन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए ओट्स। आप चाहें तो किसी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमें चाहिए इसके लिए गुलाब जल, और ये भी आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और नेक्स्ट हमें चाहिए इसके लिए हल्दी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक चम्मच ओट्स ले लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक पिंच हल्दी और एक चम्मच रोज वाटर। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस उपटन को आप मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने हाथों से ही इसे जस्ट थोड़ा सा क्रश कर लिया था, या स्पून की हेल्प से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे क्रश कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ले रही हूं एक पिंच हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, जिससे कि आप इजीली इसे अपने फेस पर अप्लाई कर पाएं। तो चलिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर दिखाती हूँ आपको। और आपने इसे अच्छे से सूख जाने देना है, उसके बाद ही आपने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस वक्त मेरे फेस पर कोई भी मेकअप वगैरह नहीं है, ये देखिए। तो अब मैं इस उपटन को अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस उपटन के फायदे भी बता देती हूँ कि इस उपटन के हमें क्या क्या फायदे हैं, हमारी त्वचा को क्या क्या फायदे हैं। ओटमील में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये प्रदूषण, यूवी किरणों से त्वचा को हुए नुकसान को कम करने में हमारी हेल्प करती है। ओट्स खुजली और सूजन को भी कम करने में हेल्प करता है और त्वचा को भी मॉइस्चराइज करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और हल्दी, आप जानते ही हैं कि हमारी त्वचा के रोगों को दूर करती है और साथ ही साथ हमारे दाग धब्बों को भी दूर करने में हेल्प करती है। और गुलाब जल त्वचा को टोन करने का काम करता है और इससे आपकी स्किन भी सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। तो है ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा उपटन ये, जिससे आपकी त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स भी ये खत्म कर देगा। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, इसके बाद आपने इसे ठंडे पानी से धोना है और आपने कोई भी किसी भी तरीके का फेस वॉश या सोप वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है अपने फेस पर। और आप चाहें तो अपनी नेक एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही अच्छा उपटन है ये। तो ये देखिए, पूरी तरह से सूख चुका है और मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो गया था वैसे तो ये। और अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से धो लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, मैंने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश किया। इस वक्त मेरे फेस पर कोई मेकअप भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये देखिए, और बहुत ही अच्छी एक शाइन आई है मेरी त्वचा में। आप देख सकते हैं कितना ग्लोइंग लग रहा है फेस और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रहा है मुझे छूने पर। तो गाइज, यही थी मेरी आज के उपटन की एक विधि थी, जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।